दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme C55 4G और Realme 10 4G फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन और इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन पर, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Realme 10 फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में नॉच नहीं दिया, छोटा सा एक पांचोल दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.8% दिया गया है। तो डिस्प्ले यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme C55 4G फोन, ये फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया। इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। ये फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया है ये काफी बड़ा साइज दिया गया है। ये फोन में भी नॉच देखने को नहीं मिलता है, छोटा सा पांचोल दिया गया सेंटर में। एस्पेक्ट रेशो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है। इसमें भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और इसमें जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया 91.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाता है। ये फोन में भी आपको काफी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो Realme 10 4G फोन में इसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया है। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, और जो सेकेंडरी कैमरा है ये कैमरा दिया गया है यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का दिया गया डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पे बात करें तो Realme C55 4G फोन, ये फोन में भी डुअल रियर कैमरा दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ पे दिया गया, और जो सेकेंडरी कैमरा दिया गया है ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो दोनों फोन का सेल्फी कैमरा का, Realme 10 4G फोन में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का पांचोल सेल्फी कैमरा दिया गया। यहाँ पे बात करें तो Realme C55 फोन, इसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का पांचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो सेल्फी कैमरा में यहाँ पे बाजी मार लेता है Realme 10 फोन। रियर कैमरा में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। और दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो दोनों फोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है। Realme 10 फोन में मीडियाटेक हीलियो G99 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। यह काफी अच्छा बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली जी 57 MC2 जीपीयू मिल जाता है। ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। यहाँ पे बात करें तो Realme C55 फोन, इसमें भी मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक हीलियो G88 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 की क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली जी 52 MC2 जीपीयू मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पर आधारित है। परफॉर्मेंस पर यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है Realme 10 4G फोन। इसमें आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करें तो Realme C55 फोन से। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, साथ में Realme UI 4.0 दिया गया है। ये दोनों फोन का वेरिएंट का बात करें तो Realme 10 फोन जो है ये फोन दो ही वेरिएंट पर अभी अवेलेबल है। जो बेस्ट वेरिएंट है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो हायर वेरिएंट है 8GB RAM 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पे बात करें तो Realme C55 फोन, ये फोन 3 वेरिएंट पर लॉन्च किया गया। जो बेस वेरिएंट है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और जो मिड वेरिएंट है 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और जो हायर वेरिएंट है
8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है ये फोन। तीन वेरिएंट पर आपको देखने को मिलेगा। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो दोनों फोन में 33 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग और बैटरी पर यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो USB Type-C 2.0 दिया गया। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और फेस अनलॉक मिल जाता है। दोनों फोन का बिल्कुल एक ही डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। ग्लासी फिनिशिंग बैक दिया गया। दोनों फोन का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ है। कैमरा कटआउट में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियलमी 10 जो फोन है इसमें जो कैमरा कटआउट दिया गया ये थोड़ा सा चौड़ा कैमरा दिया गया है। और जो यहाँ पे रियलमी C55 फोन है इसमें आपको कैमरा बम्प जो है थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में अलग अलग कलर पे डिजाइन दिया गया। दोनों फोन में अलग अलग डिजाइन मिल जाते हैं। काफी अच्छा बढ़िया कलर के साथ बढ़िया डिजाइन के साथ ये फोन लॉन्च हुआ। डिजाइन पर ही कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 4G सिम वोल्टेज मिल जाते हैं। दो 4G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन का प्राइस का। रियलमी 10 फोन जो है ये फोन का प्राइस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करें तो रियलमी C55 फोन से। या फिर स्पेसिफिकेशन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियलमी 10 फोन का जो बेस्ट वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 13,999 rupees पर आता है। और जो हायर वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन लॉन्च हुआ है 16,999 rupees पर। 17,000 rupees पर हायर वारंट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो रियलमी C55 फोन ये फोन आपको काफी कम प्राइस पर देखने को मिलेगा। जो बेस्ट वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 10,999 rupees पर मिल जाएगा। और जो मिड वारंटी है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 11,999 rupees पर आता है। जो हायर वारंटी है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 13,999 rupees पर आता है। यहाँ पर अगर बेस्ट वारंट का कंपेयर करें तो यहाँ पे 3,000 rupees का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3,000 rupees ज्यादा प्राइस है। यहाँ पे जो रियलमी 10 4G फोन है इसका प्राइस 3,000 rupees ज्यादा है। और 3,000 rupees कम प्राइस पर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी C55 फोन में। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियलमी 10 फोन में इसमें आपको काफी कुछ बढ़िया मिल जाता है। जैसे कि इसमें सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको सेल्फी कैमरा एमोलेड डिस्प्ले ये दो चीज बढ़िया देखने को मिल जाता है। और इसमें जो परफॉर्मेंस आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करें तो रियलमी C55 फोन से। रियलमी C55 फोन में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया और जिस प्राइस पर यह फोन लॉन्च हुआ इस प्राइस रेंज पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। इसमें भी आपको काफी कुछ बढ़िया मिल जाता है। जैसे कि इसमें फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया। बड़ा डिस्प्ले साइज मिल जाता है। 5 जोन दिया गया। 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसमें 33 W का फास्ट चार्जर दिया गया है। इस प्राइस रेंज पर अक्सर फोन में आपको देखने को नहीं मिलता ये स्पेसिफिकेशन जो इस प्रो फोन में प्रोवाइड किया गया है। काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है रियलमी C55 फोन पर। अगर आप 13,000 का अंदर एक फोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो 11,000-12,000 में 11,000 या 12,000 rupees पर एक फोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा रियलमी C55 फोन परचेस कर सकते हैं। काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर यहाँ पे प्राइस रेंज पर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो इस प्राइस रेंज पर यहाँ पे रियलमी C55 फोन बेटर है। अगर प्राइस को देखा जाए और जो स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो यहाँ पे बेटर है, विनर बन जाता है रियलमी C55 फोन। इस प्राइस रेंज पर काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। रियलमी 10 4G फोन में भी स्पेसिफिकेशन दिया गया बढ़िया। इतना खास कुछ बढ़िया इंप्रूव देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज पर आपको काफी सारे फोन मिल जाएगा काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ। लेकिन रियलमी C55 जो प्राइस पर ये फोन अभी अवेलेबल है इस प्राइस रेंज
रेट पर आपको दूसरा फोन ऐसे आपको परफेक्ट पैकेज देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको ऐसे बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमियां रहेगा, लेकिन इस फोन में आपको कुछ कमी देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ बढ़िया दिया गया इस प्राइस रेंज पर। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन की तरफ आप जाना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपका बजट यहाँ पे 11,000-12,000 रुपीस है या फिर 13,000 रुपीस है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं रियलमी C55 फोन के तरफ। ये फोन आपको काफी अच्छा बढ़िया बेटर स्पेसिफिकेशन देगा, इस प्राइस रेंज पर ये फोन आप परचेस कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अनिरुद्धन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो लग रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी डेटा लूंगा आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए जो भी अगर तुम करता मिलता है लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।